हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? सबसे पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, हम अपने सेशन को शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग रोज शाम को 6 बजे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो आज का जो चैप्टर वाइज है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग श्वसन तंत्र। और आज श्वसन तंत्र का पहला भाग है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, या बाकी जो जानवर है वो कैसे सांस लेते हैं, या फेफड़ों का क्या रोल है, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाती है, यही सब बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, PRIYA08, एंड यू गेट 10% डिस्काउंट। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, PRIYA08 कोड यूज कर सकते हो। 9 बजे की क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस रेलवे की जो चल रही है, स्पेशल क्लासेस जो चल रही है वो 9 बजे चल रही है डेली रेलवे में, और दोपहर के 12 बजे डेली चल रही है SSC में। आपके स्पेशल क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने कि 9 बजे जो क्लास हो गई है वो हो गई है आपकी रेलवे की, और 12 बजे क्लास जो हो गई है स्पेशल क्लास GK GS की हो गई है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 2 बजे आपका चैप्टर चल रहा है लाइट, इसमें मिरर और लेंसेज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शाम को चैप्टर वाइज चलता है, और 3:30 बजे चलती है वाईफाई स्टूडियो की 5000 की सीरीज, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। हालांकि आज ये क्लास नहीं हुई थी क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन जो थी वो स्टक हो गई थी, चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से क्लास प्राइवेट करवानी पड़ी थी आज की। बाकी रोज क्लासेज आप ही चली रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल इज कॉल्ड, रक्त और कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। गुर्दे को हवा देना, आंतरिक श्वसन, बाहरी श्वसन, कोशिका श्वसन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, रोशन, अभिनय, नंदिता, मनीषा। अच्छा मनीषा कुमारी जी, आपने GS का बोले रखा है क्या बैच? चलो ठीक है, आपके लिए जोड़ देते हैं पूरा GS का बैच 20 तारीख। दिलीप ने बोला कि थ्योरी कराइए। दिलीप, वाईफाई स्टडी पे दोपहर के 2 बजे थ्योरी चल रही है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। तो भाई चैप्टर वाइज वालों के लिए चैप्टर वाइज, थ्योरी वालों के लिए थ्योरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। ब्लड और कोशिकाओं के बीच में जो श्वसन होता है वो आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब है कि आपने सांस ली, सांस लेने के बाद वो जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, आपके C6H12O6, आपने सांस ली, ऑक्सीजन ने इसको तोड़ दिया CO2H2O और ATP एनर्जी में। तो ये कब टूटा, ये जब टूटा जब आपके सेल के अंदर जो ग्लूकोज था, कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज था, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन गई और ये टूट गया, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू, रुधिर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे आपने सांस ली, ठीक है, तो आपने सांस ली, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में चला गया, फिर ब्लड से वो किसमें गया, सेल में गई वो ऑक्सीजन, फिर जब वो सेल में गई तो सेल का ग्लूकोज तोड़ दिया। तो ये सारा रेस्पिरेशन, सारा श्वसन जो है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20 प्रशांत 20, ड्यूरिंग इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन गैस मूव्स बाय, आंतरिक और बाहरी श्वसन के दौरान गैस चलती है। जल्दी से बताइए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये किस प्रकार की गैस का जाना होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार से हमारी जो गैसेस है वो मूवमेंट करती है, वो एक मतलब एक तरह से बाहर और अंदर की तरफ आती है। अभय कुमार, PDF कैसे डाउनलोड करें? अभय, लिंक में PDF दी जाती है टेक्निकल टीम के द्वारा, हालांकि 2 दिन की PDF अभी तक अपलोड नहीं हुई है, और टेक्निकल टीम कह रहे हैं कि इसके साथ में अपलोड कर देंगे, 3 PDF आपकी एक साथ अपलोड होनी है। बहुत सारे बच्चे इसका ए आंसर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे इसका बी आंसर दिए हैं, लेकिन जो मुझे आंसर चाहिए वो तो दिए ही नहीं किसी ने। इसका आंसर जो है बच्चों सी है, डिफ्यूजन। प्रसार जो है, डिफ्यूजन एक एक्टिविटी है जिसमें हमारा एक्सटर्नल इंटरनल, सांस लेना और सांस छोड़ना चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड,
रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन लिया जाता है, यानी जो हमारे रक्त के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो अधिकांश रूप से मैक्सिमम तरीके से किस प्रकार से ली जाती है? अ गैस डिजोल्व इन प्लाज्मा, गैस जो है वो प्लाज्मा में जो होती है डिजोल्व हो जाती है, मिल जाती है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या बाइकार्बोनेट के रूप में, जल्दी से बताइए। बच्चों इसका जो राइट आंसर है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो डिजोल्व होती है और पूरे ब्लड में जो होती है एक तरह से चलती है। तो इसका आंसर बी है, समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विद ईच ब्रेथ, ठीक है, वह कौन सा उपकरण है जो प्रत्येक सांस के साथ अंदर और बाहर निकालने वाली वायु की मात्रा को नापता है? कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है या कई बार किसी के फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास एक मशीन होती है जिसमें किसी भी इंसान को जितनी वो हवा भर सकता है उतनी हवा भरनी होती है, ठीक है, मतलब सांस लेके, और जितनी सांस वो छोड़ सकता है उतनी छोड़नी होती है। तो उससे फिर ब्रीथिंग का रेट पता लगाता है कि इंसान की ब्रीथिंग का रेट ज्यादा है कम है कैसा है। तो उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र को क्या कहते हैं? बच्चों इसका सही आंसर है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है, स्पायरोमीटर। स्टेथोस्कोप तो आपको पता है धड़कन नापने के लिए, स्पायरोमीटर जो आपको पता है ये बीपी नापने के लिए होता है, बीपी, ठीक है, ये आपकी हार्ट बीट के लिए होता है ना, ये बीपी के लिए होता है स्पायगोमैनोमीटर, और स्पायरोमीटर जो होता है वो ब्रीथ के लिए होता है, ब्रीथिंग के लिए। तो किसने कह दिया भाई ए, स्पायरोमीटर इसका राइट आंसर है। जिस बच्चे ने ए दिया है, जिस बच्चे ने ए दिया है, बच्चे ये जो है ना स्पायगोमैनोमीटर, ये बीपी नापने वाली मशीन होती है, ठीक है, सभी मतलब मैक्सिमम बच्चों ने ए दिया है। तो क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि आप लोगों ने क्या सोच के ए आंसर दिया है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या बेटा आपने क्या सोच के ए आंसर दिया है? मुझे एक चीज बताइए कि आपको कंफ्यूजन हो गया, देखो पिछला, देखो स्पायरोमीटर में और स्पाइगोमीटर में कंफ्यूजन था, क्या था? थैंक यू रवि जी, आप वापिस आए। हाँ अनुराग, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट ऑफ एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज, एक औसत वयस्क व्यक्ति की प्रति मिनट सांस लेने की दर सामान्य क्या है? यानी अगर आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल है, ठीक है, पैरामीटर से ब्रीथिंग नापी जाएगी, ठीक है, आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल है, आप सांस बिल्कुल नॉर्मल लेते हो, तो उसका रेट क्या होगा? 9, 12, 15 से 18, 21 से 24 से 30 से 33, जल्दी से बताइए। अगर लीवर में प्रॉब्लम हो तो कौन से लक्षण होते हैं? मुरझास, अगर लीवर में प्रॉब्लम होगी तो आपके पेट में दर्द रहेगा, काफी पेट में दर्द रहेगा, लीवर में प्रॉब्लम है तो पेट में दर्द रहेगा। अमृता अभी तो अपलोड ही नहीं हुई, ठीक है, चलिए, हाँ कंफ्यूजन हो गया था, बहुत सारे बच्चों ने 9 से 12 दिया, बेटा 15 से 18 इसका आंसर है, नॉर्मल रेट होता है 15 से 18। बी आंसर आप सबने सही दिया है, 15 से 18 इसका आंसर होता है। जो बच्चे 30 से लेके 33 देख रहे हैं ना, उनको हाई बीपी की परेशानी होगी बहुत ज्यादा, और जिनका 15 से रेट कम रहता है उनको लो बीपी का परेशानी होगा। चलिए, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू लंग्स एज वेल एज थ्रू गिल्स, श्वसन फेफड़ों के साथ साथ गलफड़ों के माध्यम से भी होता है, तो किसके मतलब किसके अंदर रेस्पिरेशन श्वसन जो होता है वो फेफड़ों में भी होता है, लंग्स में भी होता है, साथ साथ गलफड़ों में भी होता है, गिल्स में भी होता है, बताइए जल्दी से। सुदीप बेटा, अगर आपका लीवर नहीं होता ना तो आप जिंदा नहीं होते। दर्द भी होता है बेटा, जलन भी होती है, और जलन होने का मतलब भी एक बाइल जूस का ज्यादा बनना होता है,
अब ये आजकल ये मेरे पता नहीं मेरे कमेंट बॉक्स में आजकल कविता कविता ज्यादा चलने लग गया है। कविता कैसे हो, जब भी मैं क्लास लेती हूँ भाई तो पता नहीं कौन कविता भैया, सुन लो जिसकी भी सुननी है, कविता कौन है भाई, हर क्लास में कविता कविता रहती है। जैसे पहले विनोद विनोद, 30 टाइम कविता कविता रहती है हर क्लास में। बच्चों इसका सही आंसर है फ्रॉग, मेंढक। बच्चों जो मेंढक होता है वो गलफड़ों से भी सांस लेता है, गिल से भी सांस लेता है, ठीक है, साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है, गलफड़ों से भी सांस लेता है, और साथ साथ किससे सांस लेता है, लंग्स से भी सांस लेता है। तो ये यहाँ पे गलफड़ों से सांस ले रहा है और यहाँ पे लंग्स से सांस ले रहा है, तो दोनों तरीके से वो ब्रीथ करता है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान अब किसमें क्या होता है मैं बताऊंगी। बच्चों ठीक है, अरे भैया ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग ठीक है, तुम सुनो मेरी बात, पीडीएफ के लिए तुम लोग गुस्सा हो, ठीक है, मैं टेक्निकल टीम को एक बार अच्छे से बात करके कह दूंगी कि आप पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे ही अपलोड कर लेना, बाकी की पीछे की 2 PDF और वाईफाई स्टडी की ऐप पे और करवा दीजिए, बाकी टेलीग्राम पे तो मेरी सारी पीडीएफ टाइम से चली जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है ब्रोंकी में, एल्वियोली में, ट्रैकिया में या इसोफेगस में। ब्रोंकी में, एल्वियोली में, एलोवेली में, ट्रैकिया में या इसोफेगस में, वो साइलेंट रहता है। लंग से, उर्मिला लंग से। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है एलोविला, एलोविली, एलोविली, ठीक है, इसका राइट आंसर है। बच्चों एलोविली जो होती है वो कहाँ होती है, देखिए यहाँ होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो इस जगह होता है, ये जो पतले पतले तार तार से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एलोविली है। नीरज बोल रहा है कि मेरा लीवर बेच के आईफोन आ जाएगा क्या? हाँ बेटा तरुण हो जाएगा। तरुण एक काम करना, 2 बजे वाला क्लास और देख लो, उसमें थ्योरी चल रही है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई नीरज का एक बार क्या कहते हैं लीवर बिकवा दो ताकि उसको आईफोन मिल जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गिल्स, निम्नलिखित में से किसमें गलफड़े नहीं होते, प्रॉन में, क्रैब में, वेल में या फिश में। आप सभी को पता है कि जो मछली होती है, वो सारी की सारी जो होती है, वो सारी की सारी जो होती है, फिश जो होती है, जो मछली होती है, सारी की सारी गिल से, गलफड़ों से सांस लेती है। तो प्रॉन, क्रैब, वेल या फिश, ठीक है, झींगा, केकड़ा, वेल या मछली, किस जो इनमें से कौन सा गलफड़ों से सांस नहीं लेता। हाँ बिग साइज वाईफाई स्टूडियो पे क्लास ना होने का कारण था, स्टक हो गई थी लैपटॉप की स्क्रीन, चल नहीं रही थी, ठीक है। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है वेल, क्योंकि वेल एक स्तनधारी है और वेल जो होता है लंग से सांस लेती है, वेल जो होती है फेफड़े से सांस लेती है, वेल वेल बेटा वेल वेल जो होती है बेटा फेफड़े से सांस लेती है, और वेल का जो दिल होता है ना वो सेम टू सेम हमारे जैसा होता है, हमारा 300 ग्राम का होता है, उसका 300 किलो का होता है। विच अमोंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, निम्नलिखित जीवों में से किसके पास श्वसन अंग तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, इन चारों में से ऐसी कौन सा जीव है जिसके पास श्वसन करने के लिए अंग तो है लेकिन दिमाग नहीं है। क्रैब, स्टारफिश, फ्रॉग, सिल्वर फिश। केकड़ा, स्टार मछली, मेंढक, चांदी की मछली। टेक्निकल टीम बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक कर दिया करो। जोसना, जोसना आपका बेटा फोन भी आया था, जोसना क्लास के बाद एक बार फोन कर लेना मुझे, प्रसाद एसएससी के लिए, डीपी के लिए, हर एग्जाम के लिए, साइंस सबके लिए एक है लेवल, हम अच्छा रखते हैं। बच्चों आपको बताएंगे, आपको हैरानी होगी कि जो स्टार फिश होती है, जो स्टार मछली होती है, उसके पास दिमाग के साथ साथ उसके पास में ब्लड भी नहीं होता, रुधिर भी नहीं होता, ना ब्लड होता है, ना रक्त होता है, और ना ब्रेन होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड घूमता है, उसके शरीर में सी का वाटर घूमता है, समुद्र का पानी घूमता है, उसी से उसको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक
ना दिमाग होता, ठीक है, ना दिमाग होता और ना ही इसके अंदर रक्त होता. नो नो ब्लड एंड नो ब्रेन. देखो, नो ब्लड एंड नो ब्रेन, ठीक है. तो रेस्पिरेशन श्वसन क्या है? एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है, एक हाइड्रोलिसिस है, एक नन ऑफ दीज अबव. इनमें से कोई नहीं. जल्द से बताइए, ऑक्सीकरण है, कमी है, हाइड्रोलिसिस है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल कविता सैनी, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी है. जल्दी से बताइए, रेस्पिरेशन क्या है? आप सभी को बताया कि श्वसन क्या होता है, फटाफट से बताइए श्वसन क्या है. ऑक्सीडेशन है. जितने भी बच्चे यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बात और बहुत अच्छी बात बता देती हूँ कि मेरी खुद की लिखी हुई दिल्ली पुलिस की एक बुक है, जो वैष्णवी पब्लिकेशन के नाम से आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगी. वैष्णवी पब्लिकेशन के नाम से आपको बुक मिल जाएगी, वैष्णवी पब्लिकेशन. अगर आप अमेजोन पे डालते हो, अगर आप अमेजोन पे वैष्णवी पब्लिकेशन डालते हो, तो आपको वैष्णवी पब्लिकेशन का बुक मिल जाएगा अमेजोन पे, ठीक है, जो स्पेशली दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट के लिए. दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल वाले बच्चे, कांस्टेबल वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, इसमें कंप्यूटर इंक्लूडेड है. बच्चों, इसका आंसर ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ बेटा. एक होता है C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज. ये रिएक्शन मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, जिसकी कोई याद नहीं, कई बार सपनों में यही आती है. ठीक है, तो C6H12O6, तो बच्चों जब ये टूटता है, C6H12O6 जब ये टूटता है, किससे टूटता है बच्चों? ये ऑक्सीजन के कारण से टूटता है. तो जब किसी ऑक्सीजन के कारण से कोई, मतलब कोई चीज टूटती है, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं. और ये टूट जाएगी आपकी CO2 प्लस H2O प्लस ATP, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एड होने के बाद ये ब्रेक हो जाती है. ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है जब किसी इंसान के अंदर श्वसन होता है. ATP का मतलब होता है एनर्जी. जब आप सांस लेते हो और जब आप सांस छोड़ते हो, तो आपको की एनर्जी बाहर रिलीज होती है. और बताइए, बिल्कुल एलिश उसमें मिल जाएगी, स्टार स्टार कोचिंग वी के प्रकाशन के बिल्कुल बराबर में है, स्टार वाला उसके मिल जाएगी मेरे नाम से. बच्चों ये बात समझ में आई, क्लियर है? आवाज कम आ रही है, बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, आवाज कम ही हो रही थी. ठीक है, कहती बात समझ में आई. तो ऑक्सीडेशन होता है. तो वैष्णवी पब्लिकेशन से आप मेरी खुद की लिखी हुई दिल्ली पुलिस की बुक Amazon पे मिल जाएगी. अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वॉटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन. कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन जो तंत्र है या अंग है, वो क्या होता है? गिल गलफड़े, ट्रैकिया, बुक लंग्स, या पल्मोनरी. जल्दी से बताइए, गलफड़े होता है, क्या होता है गलफड़े, पल्मोनरी सैक, या बुक लंग, या ट्रैकिया. ट्रैकिया हिंदी इंग्लिश में सेम है. एनटीपीसी के लिए साइंस की बुक की टाइपिंग चल रही है मेरी, एनटीपीसी के लिए जल्दी से कोई बुक आने वाली है आपके लिए. एनटीपीसी के लिए बुक आने वाली है आपके लिए. ट्रैकिया, 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 बिल्कुल सही, ट्रैकिया. बच्चों जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं, जितने भी आपके कीड़े होते हैं, कीड़े सारे के सारे ट्रैकिया से श्वसन करते हैं. किससे करते हैं? ट्रैकिया से श्वसन करते हैं. किससे करते हैं? दोबारा से बोलूंगी, ट्रैकिया से श्वसन करते हैं. अगला क्वेश्चन, अगर गलफड़े होते तो जिंदा रह सकते थे. द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, जो आपके फेफड़े होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, उनको कवर करने वाला, उनको कवर करने वाला जो एरिया होता है, वो क्या होता है? मतलब ये जो है, ये अभी किस चारों तरफ से किसी चीज से कवर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पल्म्यूरा, प्ल्यूरा, पेरिकेरिडियम, पेरिटोनियम, या मिसोथेलियम? जल्दी से बताइए. बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया कि द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो लंग्स को कवर करती है, उसको बोलते हैं प्ल्यूरा. क्या बोलते हैं बच्चों? प्ल्यूरा बोलते हैं. और वैसे इसको पूरा बोलते हैं बेटा प्ल्यूरा मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा मेम्ब्रेन, प्ल्यूरा झिल्ली, प्ल्यूरा मेम्ब्रेन, प्ल्यूरा झिल्ली. दोबारा से बोल रही हूं,
कि जो झिल्ली आपके गलफड़ों को कवर करके, गलफड़ों बोल रही हूँ, जो झिल्ली आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं प्लूरा। उसको क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है और मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो गलत आंसर दिया है, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग बेटा एक बार बेसिक से पढ़े। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जब भी रेस्पिरेशन, जब भी श्वसन पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, माइकोप्लाज्मा इज अ डिसीज डेट अफेक्ट द ऑर्गन ऑफ। माइकोप्लाज्मा एक बीमारी है जो अंगों को प्रभावित करती है। तो माइकोप्लाज्मा कौन सी बीमारी बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बार बीमारियों का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकोप्लाज्मा कैसी बीमारी है और वो किस अंग को अफेक्ट करती है, किस अंग को प्रभावित करती है? एक रेस्पिरेशन की बीमारी है, श्वसन की, एक एक्सक्रीशन की, रिप्रोडक्शन की या डाइजेशन की, श्वसन की, उत्सर्जन की, प्रजनन की या पाचन की। नीरज होता है लेकिन बाहरी कवर पूछा है, पेरिकार्डियम भी होते हैं नीरज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन बाहर के एरिया को पूछा है। बिल्कुल मनीषा, बच्चों इसका जो ए आंसर है रेस्पिरेशन है, इसका आंसर रेस्पिरेशन है। इसका आंसर रेस्पिरेशन क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। निमोनिया जो होती है आप सभी को पता है फेफड़ों वाली बीमारी होती है। जब बच्चों को ये बीमारी होती है स्पेशली, तो सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है? तो सांस लेने में क्या होती है बेटा? प्रॉब्लम होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए तो देखिए, ये बीमारी है, इसको पूरा बोलते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये वाला क्वेश्चन, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है? कहने का मतलब है फेफड़ों से कहां हार्ट तक जो ब्लड है वो कौन लेके जाता है? फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है? जल्दी से बताइए। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है पल्मोनरी वेन, ठीक है? बच्चों पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक ऐसा अपवाद है जो O2 की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और पल्मो का शब्द, पल्मोनरी, पल्मो शब्द का मतलब होता है जो फेफड़ों से जुड़ा हो, फेफड़ों से, इससे जुड़ा हो, फेफड़ों से, लंग्स से जुड़ा हो। जब भी कहीं आप पल्मो शब्द देखें, इसका मतलब वो चीज फेफड़े से जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पे आर्टरी होती, धमनी होती, तो वो CO2 की सप्लाई करती, यहाँ वेन है तो वो O2 की सप्लाई कर रही है। बेटा एरोटा O2 की सप्लाई करती है, एरोटा O2 की सप्लाई करती है, बिल्कुल सही। लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो भी O2 की सप्लाई करती है, लेकिन एरोटा जो होती है, एरोटा महाधमनी होती है, वो जब लास्ट में ब्लड प्योरिफाई हो जाता है, बिल्कुल ब्लड प्योर हो जाता है, तब वो सारे अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है? अपवाद है बेटा, वेन्स तो, वेन्स हमेशा जो वेन्स होती है, जो आपकी शिराएं होती है, शिरा जो होती है वो हमेशा CO2 ब्लड की सप्लाई करती है, लेकिन ये एक अपवाद है। पल्मोनरी वेन हमेशा O2 की सप्लाई करती है। एक बच्चे ने बोला प्लीज एक्सप्लेन, कशिश ने बोला, ठीक है बच्चा ध्यान से सुनो मेरी बात। आपसे पूछा है कि ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, जो ब्लड है, ठीक है, फेफड़ों से हृदय तक, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है? कहने का मतलब है टू हार्ट। अगर फेफड़ों से, लंग से जो ब्लड है वो दिल तक कौन ले जाता है? तो वो ले जाता है पल्मोनरी वेन। अब फेफड़ों से क्यों लेके जाता है तो मैं बताती हूँ। जब आप सांस लेते हो तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो तब आती है जब आप सांस लेते हो। तो आपने सांस लिया, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गई, ब्लड के अंदर जाने के बाद वो पल्मोनरी वेन में जाती है, जाती है पल्मोनरी वेन में, और वो आपके हार्ट में चली जाती है। इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर हार्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है?
और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे एक बार एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ेगी। ये देखिए बच्चों, ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका फेफड़ा हो गया। बच्चों इधर जो होता है ये जो होती है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, फूफस शिरा होती है, और ये दोनों हार्ट से जुड़ी रहती है, दोनों दिल से जुड़ी रहती है। ये आपकी पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, फूफस शिरा, फूफस शिरा होती है, ये धमनी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, ओफो पूरा निकल गया, बच्चे ने बोला बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा। हाँ अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, दोबारा से बच्चों, ये आपका लंग्स हो गया, वो पेट चला गया, ठीक है, वो आप ये आपका फेफड़ा हो गया। तो फेफड़े दो चीजों से जुड़ा रहता है और दोनों पलमो से जुड़ा रहता है। पलमो शब्द का नाम रखना, पलमो, पल्मोनरी, बच्चों पल्मोनरी का मतलब होता है वो चीज जो लंग्स से जुड़ी हुई, पल्मोनरी लंग्स से। फूफस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, फूफस शिरा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, अब होता क्या है बच्चों, जैसे आपके ब्लड में CO2 होती है, आपके ब्लड में क्या होती है बच्चों, आपके ब्लड के अंदर CO2 होती है, फिर क्या होता है, हाँ आपके ब्लड में CO2 होती है, जैसे आपने सांस ली, तो आपके ब्लड में जो CO2, चलो ठीक है आपके ब्लड में CO2, आपने सांस ली, तो ब्लड में ग्लूकोज है C6H12O6, तो O2 आपने ली, O2 इन कर ली, O2 इन कर ली, तो जब आप सांस छोड़ोगे तो क्या होगा, जब आप सांस छोड़ोगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी, आउट हो जाएगी, पानी बाहर निकल जाएगा, प्लस ATP एनर्जी जो होगी, ऊर्जा जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह से आपके ब्लड के अंदर O2 आ जाती है, तो इसका मतलब प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। बात समझ में आई, जब जब आप सांस लेते हो तब तब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है, इससे आपका ब्लड प्योर हो जाता है। और ये क्रिया, ये वर्क फेफड़ों द्वारा होता है, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल जाती है CO2 और पल्मोनरी वेन में चली जाती है O2, और फिर ये घूम के आपके पूरे ब्लड में घूम जाती है। चलिए अब आगे बढ़, हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं, मैम फोर्स प्रेशर हीट ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम कब कराओगे योगेश, अभी 2 बजे क्लासेस चल रही, उसी में हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज CO2 कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू लंग, CO2 को कितने तरीके से कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचा जा सकता है, 2 तरीके से, 3 से, 4 से या 1 से, जल्दी से बताइए। शिवम आज 3:30 वाली क्लास नहीं हुई थी क्योंकि उसकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो स्टक हो, मोबाइल की कहूं मैं, लैपटॉप की स्क्रीन जो थी वो स्टक हो गई थी। बच्चों इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, 3 तरीके से। इसका आंसर क्या है बेटा, बी, 3 तरीके से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हमारा समय आज हो चुका है इस चीजों को पढ़ाने पढ़ाने में, ठीक है, इन चीजों को पढ़ाने में ही हो गया है। तो अनअकैडमी पे आप मुझसे सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें, दोपहर के 12 बजे मुझसे जुड़ना ना भूलें, और यूट्यूब पे चैप्टर चल रहा है, चैप्टर पढ़ना ना भूलें, साथ ही साथ 6 बजे SSC यूट्यूब पे ना आना भूलें, और 3:30 बजे डेली वाईफाई स्टूडियो पे आना ना भूलें। वो जांग से होती है उर्मिला, ये बताऊंगी मैं आप लोगों को जब हर चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब मेरे से मतलब अब जो भी बच्चे बायो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आज पता नहीं बोलने में क्या हो रहा है, पता नहीं किसने गाली दी है, आज अटक रही है आवाज, ठीक है।
है, तब होगा। ध्यान से सुनो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बायो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बाकी फिजिक्स तो चल ही रही है। देखो आप कितना बढ़िया आवाज, पता नहीं क्या हो गया था आवाज के अंदर एकदम से। कितने बच्चे ऐसे जो मुझसे बायो पढ़ना चाहते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स अभी भी 2 बजे पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे मैम, कल से प्लीज वाइट वाइट बैकग्राउंड रखिएगा, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा सा बैच बताए कशिश, SSC के लिए आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। बायोलॉजी क्लास जिस इस बच्चे को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। 2 बजे फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताने वाली हूँ कि आपकी बायो की क्लासेस कहाँ पे शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस सेशन को लाइक शेयर करना ना भूले और मेरा कोड है PRIYA08, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।